हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईक्यू स्प्रिंट। आज हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। और पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, और उसी से रिलेटेड आज हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। थर्ड टर्म 5 दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है, A3 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। और सेवन्थ टर्म इज 9, मतलब कि क्या दिया हुआ है, A7 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ये दोनों हम लोग का गिवन है। हम लोग को डिटरमाइन करना है AP का पूरा सीरीज हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इक्वल टू 5, मतलब A3 इक्वल टू 5। और हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, A+N-1 × D। पिछला क्लास में देखे थे An=A+N-1 × D। वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, A+N-1 × D इक्वल टू 5 दिया हुआ गिवन। और ए का वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं, इसलिए ए लिखे हैं प्लस। और एन का वैल्यू तो हम लोग को पता है ना कि ये 3 है, मतलब ए एन ऐसे लिखते हैं, An = A3 दिया हुआ। तो एन इक्वल टू थ्री हो गया ना, तो इसलिए एन का वैल्यू 3-1 × D = 5। और 3-2 2D हो गया, A+2D = 5। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए हैं, ठीक है। सेवन्थ टर्म क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो A7 = 9 और A+N-1 × D = 9। और n का वैल्यू क्या है, 7 है, इसलिए n का वैल्यू 7 लिखे, 7-1 6D। तो इसलिए सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, A+6D = 9। और हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। A+6D = 9 पहला इक्वेशन लिख दिए, नीचे लिख दिए A+2D = 5। और ऐसा सॉल्व कैसे होता है, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, मतलब यहाँ ऊपर में जो भी साइन रहेगा उसका ओपोजिट यहाँ पे नीचे में होगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कट गया, ए कट गया, और 6D और यहाँ पे -2D, तो क्या हो गया, 4D आ गया। और 9-5 क्या हो गया, 4 आ गया। तो इसलिए D = 4/4 और D का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, D का वैल्यू 1 आया है, उसको हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 क्या है, A+2D = 5। A+2D = 5 गिवन है। अब इस पर हम लोग D का वैल्यू पुट कर दे, D = क्या है, 1 है, इसलिए क्या आ गया, A = 3 आ गया। तो AP कैसे निकालते, AP का सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A+D A+2D, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो A क्या दिया हुआ है, 3 है, A+D 3+1, D का वैल्यू 1 है। और थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, 3+2 × 1, और 3, 4 और 5, AP का सारा AP का पूरा सीरीज निकल गया। थैंक यू।